अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। जातीय दंगा होने पर अकोला पुलिस किस तरह तैयार है, इसके लिए अकोला रामदासपेट पुलिस की ओर से एक रिहर्सल का आयोजन किया गया था। आजकल लगातार कुछ राजनीतिक दल सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन भड़काऊ भाषण का उपयोग कर रहे हैं व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली वारदातें भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शहर और आम जनता में नफरतों का बाजार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी नफरत के कारण शहर में ऐसी कोई घटना घटी है तो अकोला पुलिस कितना सतर्क है व जातीय हिंसा अगर भड़क जाए तो इसे पुलिस काबू में कैसे करेंगी। इस घटना पर रामदासपेट पुलिस ने सोमवार को जूना अकोट स्टैंड परिसर में सुबह 11 बजे ये रिहर्सल की। ये रिहर्सल जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में रामदासपेट पुलिस थाने के प्रमुख थानेदार किशोर शेलके के नेतृत्व में पुलिस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वर्तमान हालत में आए दिन सामाजिक सौहार्द दूषित करने जैसी घटनाएं घटित हो रही है। अगर कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किसी ने किया तो पुलिस उसके साथ किस तरह से निपटेंगी, इसकी झलक दिखाने के लिए रामदासपेट पुलिस ने ये उपक्रम चलाया। पुलिस के जवानों ने ऐसी स्थिति में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेंगी तथा हिंसक भीड़ को किस तरह में काबू करेंगी, इसका प्रात्यक्षिक वहां मौजूद नागरिकों और शहर की जनता को दिखाया। पुलिस की इस रिहर्सल को देख पहले तो नागरिक सहम गए थे, लेकिन बाद में पता चलने पर रामदासपेट पुलिस को देखने के लिए परिसर में अच्छी भीड़ जमा हो गई थी। रिहर्सल के साथ ही रामदासपेट पुलिस ने विभाग की सूझबूझ का परिचय देते हुए पुलिस विभाग के महत्व को दर्शा दिया है। अकोला 24 न्यूज के लिए असगर खान की रिपोर्ट। अल शहा फ्रेग्रेंसेस, न्यू ताज महल, अतर एंड परफ्यूम्स, होलसेल एंड रिटेल, सभी प्रकार के अतर परफ्यूम जाय नमाज तस्बीह पर टोपी की अलग अलग वैरायटी उपलब्ध। तो एक बार जरूर आए, लारी गली मोहम्मद अली चौक अकोला।